नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल और 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के बाद भारत को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 21 फरवरी से खेलनी है। टेस्ट सीरीज से पहले भारत और न्यूजीलैंड 11 के बीच 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी बल्लेबाजी का मौका मिला। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि ऋषभ पंत इस मैच में कितने रन बनाते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। ऋषभ पंत को पिछले कुछ समय से लिमिटेड ओवर में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिल रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले महीने 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में वो चोटिल हो गए थे, जिसके बाद विकेटकीपर की भूमिका केएल राहुल ने निभाई थी। इसके बाद से राहुल ही लिमिटेड ओवर में टीम इंडिया के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल सीरीज में भी पंत को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था। टेस्ट में रिद्धिमान साहा को उन पर तरजीह दी जा रही है। पंत पिछले काफी समय से बल्ले से फॉर्म में नहीं है और विकेट के पीछे भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे। ऐसे में वो लंबे समय से आलोचकों के निशाने पर रहे हैं, इसीलिए उनके तमाम फैंस अब ये दुआ कर रहे थे कि ऋषभ पंत इस प्रैक्टिस मैच में बड़े रन बनाकर अपने तमाम आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, उनके मुंह पर अपने प्रदर्शन से ताला लगा देंगे। वो साबित करेंगे कि वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने के काबिल हैं, न कि बेंच पर बिठाए जाने के। लेकिन फैंस की सारी उम्मीदों पर ऋषभ पंत ने एक बार फिर से पानी कर दिया। एक बार फिर से उन्होंने सभी को निराश कर दिया। पंत 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। वो ईश सोढ़ी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए, ठीक उसी तरीके से जैसे अक्सर वो स्पिनर्स की गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में बहुत सस्ते में आउट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी वो आदत, गंदे शॉट लगाने वाली आदत फिर नहीं बदली और उसका खामियाजा उन्होंने फिर से भुगता, जिसके बाद बीसीसीआई ने ट्वीट करके यह जानकारी भी दी। बीसीसीआई ने लिखा, इंडिया लूज देयर 6th विकेट एज ऋषभ पंत डिपार्ट्स ट्राइंग टू होस्ट वन डाउन द ग्राउंड ऑफ ईश सोढ़ी। जिसका मतलब था कि बीसीसीआई ने भी यह जानकारी दी, बकायदा इस चीज को कोट किया कि बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत फिर सस्ते में आउट हो गए। बस ये ट्वीट आते ही ट्विटर पर फैंस ने ऋषभ पंत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, डियर बीसीसीआई, प्लीज गिव अ चांस टू ईशान किशन इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत। ईशान इज अ गुड विकेट कीपर बैट्समैन। यानी वो चाहते हैं कि ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को मौका दिया जाए, इसीलिए बीसीसीआई से यूजर ने यह मांग की कि ईशान अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, ऋषभ पंत की जगह आप उनको मौका दीजिए। अक्षय नाम के यूजर ने लिखा, सेंड दिस गाय बैक टू डोमेस्टिक सर्किल एंड लेट हिम ग्राइंड अगेन फॉर द प्लेस इन सीनियर टीम, ओनली देन ही विल लर्न टू वैल्यू हिज विकेट एंड बी रिस्पॉन्सिबल। यानी इस शख्स का मानना था कि ऋषभ पंत को वापस डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भेजिए, वहां पर वो प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर से अपने आप की वैल्यू समझेंगे, अपने विकेट की वैल्यू समझेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, इस चीज को वो समझेंगे, तभी उनको मौका दीजिए। विकास भाटी ने लिखा, पंत इज यूजलेस क्रिकेटर, व्हाई यू गिव हिम सो मेनी चांसेस। यानी विकास भाटी के मुताबिक पंत एक बेकार क्रिकेटर हैं, उन्हें इतने मौके नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि उन्हें इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऋषभ पंत ने ही ये मौका इन फैंस को दिया है अपने ऊपर उंगली उठाने का, सवाल करने का। एक अच्छा मौका मिला था, अगर रुक कर आराम से अपनी इनिंग्स को पंत आगे बढ़ाते, कुछ रन बना देते तो अपने आलोचकों के मुंह पर वो ताला भी जड़ सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत ऐसा नहीं कर पाए। ऐसे में आपका इस मामले पर क्या सोचना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या ऋषभ पंत वाकई में अभी भी केयरलेस हैं, अभी भी उन्हें अपने विकेट की वैल्यू नहीं है, जिम्मेदारी नाम की चीज़ जहन में रहती नहीं है उनके कि अपनी विकेट की वो वैल्यू करें, केयरलेस अभी भी हैं? आप क्या मानते हैं, उन्हें क्या वाकई टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए या फिर वापस उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज देना चाहिए? जो भी आपका मानना है कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।